हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैवरिक गुरु। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग आयुष की तैयारी कर रहे हैं, मींस बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस या बीएसएमएस कोर्सेस करना चाहते हैं, और वो भी सरकारी कॉलेजेस से, मींस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस से अगर आप करना चाहते हैं, तो कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितने स्कोर करने पड़ेंगे और क्या प्रोसीजर होगा, पूरा डिटेल में बात होगी, और किस तरह से आसानी से आप कॉलेजेस ले सकते हैं ये भी बताऊँगा आपको। दोस्तों, उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ टू गेट एडमिशन टू आयुष कोर्सेज इन इंडिया। 15% ऑल इंडिया कोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस कट ऑफ, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कट ऑफ। तो दोस्तों, इस सब के बारे में डिटेल में बात होगी। चलिए एक वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आयुष कोर्सेज में कोई भी कोर्स है, उसका जो एडमिशन होता है वो नीट स्कोर के थ्रू ही होता है। मींस आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और नीट की अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम होता है उसको आपको अपीयर होना होगा और स्कोर करना पड़ेगा उसमें। चलिए अब बात करते हैं आयुष कोर्सेज के थ्रू। आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, ये सारे कोर्सेज आयुष के अंतर्गत आते हैं। और आयुष की जो सीट्स होती हैं वो कैसे फिलअप होती हैं, दो तरीके से फिल होती हैं। एक तो 15% जो गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट या फिर सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट की जो सीटें होती हैं वो फिल होती हैं आपकी डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट, जो कि जिस तरह से आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी कराता है काउंसलिंग, उसी तरह से डबल ए ट्रिपल सी कराता है 15% केवल सीट्स की जो काउंसलिंग होती है। इस 15% सीट में कोई भी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, और बेस्ड ऑन उसके नीट स्कोर के हिसाब से उसको सीटें अलॉट हो सकती हैं। 85% जो सीटें होती हैं वो स्टेट के थ्रू ही फिल होती हैं, हर स्टेट की 85% सीटें वो भी नीट स्कोर के थ्रू ही फिल होती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर भी आपकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सीटें होती हैं वो फिल होती हैं। डबल ए ट्रिपल सी ऑलमोस्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग कराते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड आयुष की जो कोर्सेज हैं उसमें 15% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है, 85% सीट्स होती है वो स्टेट कोटा के लिए होती है। काउंसलिंग की जो वेबसाइट है 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है उसकी वेबसाइट है www.gov.in, ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं टोटल सीट की बात करूँ 15% ऑल इंडिया कोटा में लगभग 3000 सीटें हैं, जिसमें टोटल अगर सीट की बात करूँ तो 20,000 के करीब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस की सीटें हैं, और ये सारी सीटें गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब मिला के ये सारी सीटें हैं। बीएमएस का गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड का जो कट ऑफ जा सकते हैं वो कुछ इस तरह से जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, जनरल के लिए 505 to 510, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए 480 to 485, एससी कैटेगरी के लिए 385 to 390 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और गवर्नमेंट एडेड के लिए 360 to 365, एसटी कैटेगरी के लिए 365 to 370 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए 345 to 350। ये रहा आयुर्वेद का कट ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं होम्योपैथी का। होम्योपैथी का जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेज का वो जाता है 470 to 475, एडेड का 460 to 465, एससी का 360 to 365, और एडेड का 350 to 355, एसटी का गवर्नमेंट का 345 to 350, और एडेड का 320 to 325। अब मैं बात करता हूँ बीयूएमएस कोर्सेज के लिए, यूनानी के लिए। यूनानी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ जाता है वो 455 to 460 के रेंज में रहता है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है वो 440 to 445 के रेंज में रहता है। इसी तरह से एससी का 345 to 350 गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट एडेड के लिए 325 to 330, एसटी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के लिए 340 to 345, और गवर्नमेंट एडेड के 322 to 325। ये दोस्तों इसी तरह का एक्सपेक्टेड स्कोर आपको रहता है अगर ऑल इंडिया कोटा में किसी भी स्टेट का कॉलेज आपको चाहिए। सपोज़ करिए आप किसी और स्टेट का आयुर्वेदिक कॉलेज आपको अच्छा लगता है, या फिर किसी और स्टेट में आप जाना चाहते हैं, तो ये 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आप जा सकते हैं।
वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट हो या डीम्ड इंस्टीट्यूट हो, किसी में भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि आयुर्वेदा का एक वीडियो डालिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गुरु। थैंक्स, बाय, टेक केयर।